हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज लेकर आ गया हूं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 2 अंक में पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसको सर्जरी क्वेश्चन बोलते हैं। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये चीज, और ये हमने क्या बोला कि 100% गारंटी 2025 में ही आएगा। तो हम ये गारंटी देते हैं कि अगर आपके बिहार बोर्ड में या जो भी बोर्ड हो उसमें अगर इस चैप्टर से एक भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, यानी 2 अंकीय प्रश्न, ठीक है, तो इससे बाहर नहीं होगा जितना हमने लिखा है, क्योंकि हर पॉसिबल तरीके का क्वेश्चन हमने लिख दिया है। 20 क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना? हाँ, इस चैप्टर का हर पॉसिबल क्वेश्चन, हाँ, जो पूछा गया है पिछले ईयर वो भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और नया क्वेश्चन भी कुछ डाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए भाई लोग, स्टार्ट किया जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। क्या, अच्छा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके बिहार बोर्ड में। और बोर्ड में कई बार से पूछा जाता है वो पता नहीं है, लेकिन आपके बिहार बोर्ड में है वो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए सबसे पहला है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है पहले बताइए, इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई डिफिनेशन है? इलेक्ट्रिक चार्ज परिभाषित है? नहीं। चार्ज एक गुण होता है, ये परिभाषित नहीं है, जिसके कारण जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है उत्पन्न होता है। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, चार्ज अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उत्पन्न होगा। कब? जब चार्ज एस्केलेटर मोशन में होगा। तो वही बात हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक प्रॉपर्टीज होता है, एक गुण होता है ना, किसी पदार्थ के द्वारा गुण है ना, दैट कैरीड बाय सब्सटेंस ड्यू टू विच इट कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी जब भी विद्युत क्षेत्र में इसको अगर रखते हैं तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का जो है अनुभव किया जाता है। हिंदी में क्या है कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ द्वारा वहन किए जाने वाला गुण है, ठीक है, या सीधे एक गुण है ना, जिसके कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह बल का अनुभव करता है, ठीक है। यदि विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो भी मतलब विद्युत बल का अनुभव करेगा, अब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय बल का अनुभव करेगा, बात बराबर है, ठीक है। चलिए आगे किया जाए, हम लोग आगे बढ़ा था, एक चीज को लिख देते हैं, यहां पर लिख दीजिएगा पहले चार्ज के बारे में, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम्ब। हिंदी में क्या लिखे? आवेश का SI मात्रा क्या होता भाई? कूलम्ब लिखिए या कूलम्ब, कोई दिक्कत? इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो तो अच्छा रही। आई डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज चार्ज कितना होगा? एटी, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे आवेश का बीमीय सूत्र क्या होगा? यही होगा एटी, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछा है कते लिखवा, एक डिफिनेशन हो गई, ये हो गई, हाँ लिखना चाहते तो लिख लीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स मिलना है। हाँ, बोर्ड मास्टर का ये पावर नहीं है, मोच पे ताव देकर तो कितना लिखने के बाद 2 नंबर काट ले, एक को नंबर नहीं काट सकता है, वो पावर न है वो कि। आइए, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन लिखना है आपको, कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन है हम बताए थे, ठीक है। हाँ, ये चीज और सुनिए, अगर आप लोग इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड क्लास 12 का पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का वो नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमने 24 लेक्चर में खत्म किया इस चैप्टर को, कंप्लीट किया, 24 लेक्चर है, आप लोग देखिए एकदम मजा आ जाएगा। और हर चैप्टर में इसका ऑब्जेक्टिव है, हर लेक्चर में इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हाँ, जो भी टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव हमने करा दिया है, और इसका ऑब्जेक्टिव का भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके ऑब्जेक्टिव हमने 60 ऑब्जेक्टिव कराया है, ठीक है। चलिए भाई, तो दिस लॉ इज ट्रू फॉर ओनली फॉर स्टेशनरी, मतलब स्थिर, स्टेशनरी मतलब स्थिर, मतलब ये जो केवल है, सुनो भाई क्या बोलिए, 10 के पार -15 है, अरे तो
नाउ 10 से 15 टाइपिंग ना है रही है, 10 के पावर माइनस 15 मीटर से कम दूरी पर लगभग नहीं करेगा ये। तो सबसे सुनिए ना, यहां एक जगह लिख दिया तो यहां होना क्या, 10 के पावर माइनस 15। अब सुनिए सुनिए ध्यान दीजिए, तो ये स्टेशनरी मतलब आवेश के लिए ही लागू होगा, ये स्थिर आवेश के लिए। कूलम्ब्स लॉ जो है, चार्ज अगर रुका हुआ है तब ये लगेगा, चार्ज अगर मोशन में है तो नहीं लग सकता है। चार्ज मोशन में है तो वहां पर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स में पढ़ेंगे चुंबकीय बल, और स्केलेटल मोशन में है तो क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। ज्यादा स्पीड हो रहा है क्या, नहीं, चलिए। एंड नॉट फॉर मूविंग चार्ज, ये गतिमान आवेश के लिए ये नहीं है। कूलम्ब्स लॉ में जो है गतिमान आवेश के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्थिर आवेश के लागू होता है। दिस रूल इज ट्रू फॉर, या दिस रूल इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, या बिंदु आवेश के लिए सकते हैं। अब बिंदु आवेश में छोटा चार्ज, अब इतना भी छोटा नहीं कि 10 के पावर माइनस 15 मीटर से भी छोटा हो जाए तो भी ना लगेगा। तो बिंदु आवेश हमने बोल दिया, तो दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू डिस्टेंस लेस देन 10 के पावर 15 मीटर। तो चार्ज का डिस्टेंस जो होगा 10 के पावर माइनस 15 मीटर से भी अगर छोटा हो गया तो नहीं लगेगा। कोई सवाल अगर देता है 10 के पावर माइनस 20 कूलम्ब ना, एक चार्ज है तो इस पर लगेगा कूलम्ब 16 नहीं, Q1 नहीं होगा, ये माइनस 16 भी नहीं होगा, ठीक है। तो माइक्रो कूलम्ब और पिको कूलम्ब में चलता है, बात समझे। चलिए, तो यही बात हमने हिंदी में लिख दिया, कूलम्ब्स नियम के सीमाएं क्या है, ठीक है। पहला, यह नियम केवल स्थिर आवेश के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए सत्य नहीं है। यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, ठीक है। यह जो है नियम 10 के पार 15 मीटर से माइनस 15 मीटर से कम मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न करेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 क्या, राइट टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के दो बेसिक जो है वो प्रॉपर्टीज लिखिए, गुण लिखिए। विद्युत आवेश के दो मूल गुण लिखिए। तो गुण क्या है, पहले देखिए, ये लिख दीजिएगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहां इसे लिख दीजिएगा। हाँ, पहला एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज, या सीधे एडिटिविटी ऑफ चार्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने दो लिखा, तीन को होता है ना, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज होता है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी लिख सकते हैं। चलिए, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कैन बी एडेड बाय सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। वो सिंपल साधारण बीजगणित के रूल से हम क्या कर सकते, इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक कूलम चार्ज है, आप प्लस में 2 कूलम चार्ज है, माइनस में 3 कूलम चार्ज है, कितना हो गया, 0 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो सिंपल अलजेब्रा के नियम से ये जुड़ता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअस क्वांटिटी बट इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज इज वन ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मतलब सबसे जो छोटा छोटा चार्ज एग्जिस्ट करेगा ब्रह्मांड में, वो एक इलेक्ट्रॉन पर के बराबर होता है। कंटिन्यूअस चार्ज नहीं हो सकता है, क्या बोला, यहाँ पे कंटिन्यूअस क्वांटिटी में नहीं होगा। 1.2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5.2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, समझे। ये इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, पूर्णांक गुणज में होता है, पूर्ण गुणज में होता है। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 ऐसे हो सकता है, ठीक है, ये दशमलव में नहीं हो सकता है, समझे। तो वही होता है आपका ना, आवेश का क्या है, परिणामीकरण बोलिए या क्वांटमीकरण बोलिए, कोई दिक्कत। एक वो है आवेश का संरक्षण ना, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही उसको हम बना सकते हैं, ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ये प्रश्न हो गया, समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत नहीं, आइए बढ़िया आगे। अगला प्रश्न क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, किसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई चार्ज अगर रखते हैं तो उस पर जो बल अनुभव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा बल अनुभव होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए यहाँ पे, और एक चार्ज हमने यहाँ पे क्यू रखा, तो इस पर जो बल लगेगा इस दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा में कितना होगा, बोलिए बोलिए कितना होगा, अरे भाई ई इंटू क्यू होगा कि ना होगा, क्यू इंटू ई या ई इंटू क्यू, वही ना होगा, क्यू ई इसी दिशा में लगेगा, माइनस रखेंगे तो इसके अपोजिट दिशा में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहां पर ई नहीं लिखना है, यहां पर ये वाला फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। चलिए, क्या लिखा है, द फोर्स एक्सट्रैक्टेड एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव मतलब टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज, ये कहां आवेश एकदम
प्लेस्ड एट पॉइंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखे हुए हैं पॉइंट चार्ज को, किसी बिंदु पर हमने रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु पर रख दिए हुए हैं ना। अब देखिए फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द ऑफ दैट पॉइंट। बात समझे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या एक चार्ज रखा है, ठीक है, उस पर क्या लग रहा है, फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है, फोर्स उस पर लग रहा है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स किसके वजह से लग रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से लग रहा है। यहां पे आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहां पे हमने माइनस क्यू चार्ज रखा, तो इस पर क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा ना फोर्स, इस तरह लगेगा, वो कितना लगेगा फोर्स, क्या लगेगा माइनस का क्यू इंटू ई, तो ई बराबर क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन क्यू, चार्ज जो भी होगा ये वाला चार्ज है, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। चलिए तो यहां पर आप ले लीजिएगा फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का, क्या लिखिएगा फोर्स अपॉन चार्ज, एसआई यूनिट क्या लिखिएगा, एसआई यूनिट फोर्स का होगा न्यूटन, चार्ज का कूलम्ब, इतना जरूर लिखिएगा, ठीक है। दो नंबर चाहिए तो डिफिनेशन लिखने के बाद आपको उसका एसआई मात्रक भी लिखना पड़ेगा, डिफिनेशन लिखने के बाद एसआई मात्रक भी लिखना पड़ेगा। अब सर कहिएगा 20-20 क्वेश्चन कैसे याद होगा एक चैप्टर से, अभी से रिवीजन करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, अभी तो पहले चैप्टर है फिर दूसरा चैप्टर रहेगा, तो दूसरा चैप्टर जब का क्वेश्चन मिलेगा तो पहला का भी याद कीजिएगा, दूसरा का भी याद कीजिएगा, अपने याद हो जाएगा, ठीक। फिर तीसरा चैप्टर मिलेगा तो पहला दूसरा तीसरा का याद कीजिएगा, तो पहला का तो उसके बाद तीन चैप्टर तक याद कीजिएगा, तो पहला का तो याद रहे करेगा, तो भूल नहीं पाइएगा, ठीक है। आइए चौथा प्रश्न था, चलिए पांचवा प्रश्न देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है, तो हम बहुत सारा चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, बात समझिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े थे ना, पढ़े थे ना, याद है, प्रिंसिपल पढ़े थे ना, चार्ज का ही पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही पढ़े थे, हाँ दोनों का पढ़े थे, चार्ज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज ही पढ़े थे, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो हमने क्या बोला कि मान लीजिए कि यहाँ एक क्यू वन चार्ज है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बना हुआ है पहले से ही, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बना हुआ है पहले से ही, ये बात को पहले समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ ना ई तो हो गया, ये अलग हो गया, इसमें देखते हैं, यहाँ पर एक क्यू वन चार्ज है, यहाँ पर एक क्यू टू, पहले एक क्यू वन एक वैसे निकालते हैं, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बताइए, के क्यू बटा में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये। अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्यू टू चार्ज रखते हैं तो इसके वजह से भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हुआ क्या, चलिए यहाँ पे इसको मान लेते हैं आर वन डिस्टेंस को आर टू डिस्टेंस, या इलेक्ट्रिक फील्ड वन हो गया ये ना, आर वन हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए टू क्या हो रहा है, के क्यू बटा में आर, ये के क्यू वन है, ये क्यू टू बटा में आर टू का स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसी प्रकार अब हमको ये क्या कहता है कि नेट जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, मान लीजिए क्यू थ्री भी वो चार्ज लेते हैं, क्यू थ्री आर थ्री, क्यों इसका शॉर्ट भी हम बनाए हुए काटे हुए हैं, ठीक है, अगर इसके वजह से इस चार्ज के वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर है, इसके आने से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बताए हुए हैं। चलिए अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको अगर निकालना है ना, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वेक्टर सम कर देंगे, क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री प्लस डॉट 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 इलेक्ट्रिक फील्ड एन, ठीक है, जितना टर्म जितना होगा उसमें वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के तो हम कॉमन लेंगे कि, अब यहाँ देखिए क्यू वन बटा आर वन का स्क्वायर प्लस क्यू टू बटा आर टू का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस क्यू एन बटा आर एन का स्क्वायर, ये हो जाएगा, बात समझे, कोई दिक्कत नहीं, बताते हो, चलिए तो ये बात वही बात डिफिनेशन में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेवरल पॉइंट चार्ज, सेवरल मतलब एक गो दू गो तीन गो, मतलब बहुत सारा पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एक ही बिंदु पर इज इक्वल टू द, वो इक्वल होगा किसके,
वेक्टर सम ऑफ द इंटेंसिटी ड्यू टू ईच पॉइंट द चार्ज एट दैट पॉइंट, उसी बिंदु पर चार्ज के। हिंदी में है किसी बिंदु पर कोई कई बिंदु आवेश के कारण, किसी एक बिंदु पर कई एक किसी एक बिंदु P पर कई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के वेक्टर सम के बराबर, यानी कि सदिश योग के बराबर होती है। तो हमने क्या कर दिया, सदिश योग के बराबर, सदिश योग कर दिया कि नहीं कर दिया, सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश योग कर दिया कि नहीं कर दिया, कोई दिक्कत? चलिए आइए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 6, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या भाई साहब, पेयर ना, पेयर होता है और इक्वल है, सुनो इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड के, और नेचर कैसा होता है, अपोजिट। ठीक है, तो ये हमने डायपोल बना लिया, यहां पे प्लस क्यू चार्ज, यहां पे माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, डायपोल दोनों के बीच का डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस क्या होता है, 2a, क्या मानते हैं 2a, और ये बीच से ये हो जाता है आपका a, और ये भी क्या हो जाता है a, कोई दिक्कत नहीं ना, ये बात समझ में आया। इसमें फॉर्मूला लिखना है, इलेक्ट्रिक डायपोल में फॉर्मूला ना लिखना है, p बराबर q इंटू 2a, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में है, तो वही बात लिखा, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाई अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक डायपोल इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये बात सुनिए, अरे सुनिए, इलेक्ट्रिक डायपोल जो मतलब फील्ड बनाता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड, क्या बोलते हैं, डायपोल फील्ड बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर फील्ड कैसे बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ क्या है माइनस क्यू है, तो प्लस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की ओर, बाहर की ओर अवे फ्रॉम, माइनस की वजह से क्या होगा ना, टू आर्स होगा, अंदर की ओर आएगा। अच्छा, इसका डायरेक्शन कैसा होता है बताएंगे, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल का निगेटिव से पॉजिटिव, जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन होगा निगेटिव टू पॉजिटिव, कोई दिक्कत समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से अवे फ्रॉम और निगेटिव पे टुवार्ड्स होता है, आते हुए प्रतीत होता है। बढ़ा जाए आगे, आइए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी देखिए लेंगे। अगला है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वही बात ना, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली पहले तो लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन ना, इसके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा। अब अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब इनके द्वारा, किनके द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बताया गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ना, हेंस इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व इन द यूनिवर्स, चार्ज कैन बी ट्रांसफर वन बॉडी टू फ्रॉम अनदर बॉडी। एक हाथ इतने लंबा लिख दिए आपको, हम पीछे वाला जो हम लिखाए थे, जो चैप्टर में पढ़ाए थे वो भी लिख सकते हैं, चैप्टर में जो हम पढ़ाए थे वो भी लिख सकते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ाया उसमें सारा का डिफिनेशन लिखा हुआ है, जितना क्वेश्चन इसे मिलेगा ना सारा का डिफिनेशन पर लिख चुका है, और जितना भी 24 को लेक्चर बोले ना, सीधे 24 को लेक्चर नहीं किया है, उसमें 100 से ज्यादा प्रश्न कराया, कितना प्रश्न है वो 110-12 प्रश्न उसमें करवाया हमने, हाँ 120 प्रश्न लेक्चर में चल रहा, हर लेक्चर में 4-5 ऑब्जेक्टिव उससे टॉपिक से जुड़ा हुआ। ठीक है, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, 24 लेक्चर जाकर देख लीजिए, एकदम पूरा भन्नाट तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। समझ में आ गया हो, बढ़ा जाए आगे। आइए अगला प्रश्न क्या है, डिफाइन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, राइट इस एसाइनिड, पूछा गया है कई बार ना, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, तीनों याद कर लीजिएगा, तीनों का एसआई मात्रक, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला। तो क्या होता है ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेंसिटी, देखिए व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होना चाहिए, पहले सुनिए, कंडक्टर कैसा, जैसे गोला हो गया, घन हो गया, बेलन हो गया, वो क्योंकि वो आयतन में रहता है ना भाई, हाँ, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ना, यहां से देखिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, इन्हें बताते हैं
ना वॉल्यूम चार्ज इसलिए डिफाइंड है था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ये बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये थोड़ा हमने बढ़ा चढ़ा कर लिखा इसमें, ठीक है। आइए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, छोटा में है ना, लेकिन दो नंबर लेना है हमको। तो थोड़ा यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर कैसा होना चाहिए, आयताकार, आयतन बड़ा होना चाहिए। एक मान लीजिए सिर्फ एक लाइन ले लेते हैं तो लीनियर हो जाएगा, एक सर्कल लेते हैं, एक आयत लेते हैं, एक वर्ग लेते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, बेलन गोला घन घनाभ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। तो वही बात है इसमें लिखा गया है, किसी चालक के पूरे आयतन में आवेश वितरित होता है पूरे आयतन में, ठीक है, चालक के प्रति इकाई आयतन में मौजूद आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आइए तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे रिलेट करते हैं, रो से, क्या होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम, ये होता है चार्ज को बोलते हैं क्यू लिख दें, वॉल्यूम को भी लिख दें, ऐसा यूनिट लिखे, ऐसा यूनिट लिखना ही है भाई, हिंदी में कहते हैं आवेश बटा आयतन। आवेश क्या होता है, कूलम, आयतन है क्या होगा, मीटर क्यूब, कूलम बाय, कोई दिक्कत किसी को नहीं, बात जो अगर स्पीड में चल रहा हो तो थोड़ा स्लो करके देखिए, लेकिन देखिए, चलिए बात समझ में आइए। अगर यहीं पे लीनियर चार्ज डेंसिटी होता तो चार्ज पर क्या होगा, लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, रेखीय आवेश घनत्व। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी होता पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला वगैरह भी याद कर लीजिएगा सब लोग, बढ़ जाएंगे। आइए अगर डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट एस आई यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है तो किसी भी सतह से, कहां गया, ये आपका ये सतह है, किसी भी सतह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास करेगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास करेगी, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, विद्युत क्षेत्र रेखाएं को, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इस सतह से पास करना चाहिए जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करे, और उसमें एरिया वेक्टर भी होता है, मालूम है ना, हाँ। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम तेर भी पास करा सकते हैं, ऐसे ही पास करा सकते हैं, लेकिन एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, एरिया वेक्टर पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप आइए तो वह बना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है, ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ना इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, एक डायरेक्शन नॉर्मल लगा दिया है ना, नॉर्मल लगा मतलब परपेंडिकुलर सरफेस, उसमें सरफेस एरिया होना चाहिए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस प्रॉपर्टीज इज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, या किसका प्रॉपर्टी लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लेता है, विद्युत क्षेत्र का, किसी विद्युत क्षेत्र में रखी सतह से अभिलंब दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर ये आपको याद हो तो ठीक है, और नहीं तो हमने जो लिखा है वो शॉर्ट में वो भी आप याद कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहा तो वहां भी इसका डिफिनेशन है ना, हाँ वहां बड़ा, तो इसका फॉर्मूला दे दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है, किससे, फाई से, वहां थोड़ा इससे शॉर्ट में है कि फाई से डिनोट करते हैं इसको। अब बात को समझिएगा, यहां ध्यान से देखिए, विशेष बातें नहीं, क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, यहां ले देंगे ई जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एफ आई, एफ आई एल डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए है एरिया वेक्टर। अब आप लोग कहिएगा सर अठट्टा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब कहिएगा सर इसका एक बार लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, हाँ आप कोर्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं तो इधर ध्यान दीजिए, चल ऐसा ही मात्रा को लिखना था ना, आ? इसमें अति में क्षेत्रफल में, सिर्फ क्षेत्रफल में, एरिया बराबर क्षेत्रफल, आर एस सुन रहे हिंदी क्षेत्रफल होता है, उसका मीटर स्क्वायर होता है। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा मात्रक बताइए,
अच्छा वेबर लिखिएगा और न्यूटन बटा कूलम ना लिखिएगा, इलेक्ट्रिक बल का न्यूटन पर कूलम एरिया का मीटर स्क्वायर की। तो इलेक्ट्रिक प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है न्यूटन बटा कूलम, एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या एक और होता है वेबर, क्या होता है वेबरा नहीं वेबर मानिए। अच्छा ये बताया सुन सुन सुन, डिवाई किसका ऐसे मत रखे, डिवाई किसका ऐसे मत रखे, कल हमने पढ़ाया है डिवाई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था कल कहा नहीं आया था कुछ जी स्कूल, अरे कल गया था स्कूल ले बिफे को स्कूल जाना होता है जुरा गया नाम। अच्छा चलिए हो गया, अच्छा ये हो गया बेबर, डिवाई होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का, किसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का, याद रखिए बात सबको। व्हाट इज लाइट ईयर, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है समझे, इसलिए ये चैप्टर 9 का क्वेश्चन है, इसलिए ला दिए हैं कि ये पूछा जाता है बहुत बार, ये क्वेश्चन को याद अभी से करते चलिए, अभी से याद कर लीजिए। रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ये रे ऑप्टिक्स का व्हाट इज लाइट ईयर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट वन ईयर इज कॉल्ड, हाँ लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ ना एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ये भी कहा जाता है हिंदी में, है ना यार ये ना हिंदी में, हाँ छोटा दो नंबर में है, तो दो नंबर में कते कते पूछेगा। अच्छा आप लिख सकते हैं कि मतलब लाइट लाइट का स्पीड लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड या 3×10^5 किलोमीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, डिस्टेंस लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट कर दे मीटर मीटर मीटर, लाइट ईयर का ऐसा मीटर हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस में ना है, चलिए क्या मीटर प्रति सेकंड है, हाँ तो वो मीटर होता है देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आइए राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ना ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसका दो को प्रॉपर्टी लिखना है, ठीक है। कहती पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव और एंड्स फ्रॉम निगेटिव, किसको नहीं आता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा निगेटिव पे खत्म होता है, नहीं मालूम है रे विकास, तनी हमरो दुकान चले दे ए? सब तू ही लोग बेच लेगा, हमू बेचने आए हैं मिर्जापुर डाउनलोड करे छे ऊर्जा। अच्छा आई वाईफाई इसलिए बंद किए हुए, ठीक है। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज एंटर या लीव, है सुनो और लीव द चार्ज सरफेस नॉर्मली, यानी कि ये नॉर्मली ही एंटर करता है नॉर्मली ही बाहर निकलता है, मतलब परपेंडिकुलर किसी भी सतह से परपेंडिकुलर ही मतलब अंदर प्रवेश करता है बाहर ही परपेंडिकुलर निकलता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को, क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है कि दर्शन में अगर काट देगा तो डायरेक्शन दू गो हो जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन पूछा हुआ टेंशन मत लीजिए, क्यों नहीं करता, टेंशन नहीं लेने का भी है बचवा, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर है इसमें, हम जानते हैं तुम्हारे मन के भाव को समझते हैं, इसलिए क्वेश्चन हम ला चुके हैं पहले ही, टेंशन नहीं लेने का। ऐसा टेंजेंट टू लाइन है और फोर्स एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे है, अगर टेंजेंट हम किस तरह यहाँ पे मान लीजिए टेंजेंट की, इस पॉइंट पर हमको बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दिशा किधर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा ऐसे होगा, टेंजेंट की दीजिए तो राउंड सटा दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर करना है तो ऐसे खींच दीजिए, अगर यहाँ पर करेगा तो ऐसे, टेंजेंट खींचना है तो इसकी दिशा बताइए, वही बात उतना बताया हमने, किसी भी बिंदु पर बल रेखा की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताती है। तो पहला बात विद्युत बल रेखा है धनात्मक से प्रारंभ होकर ऋणात्मक पर समाप्त होती है, उसके बाद विद्युत बल रेखाएं हमेशा आवेशी सतह पर सामान्य रूप से प्रवेश करती है और छोड़ती है, और विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। अब आइए एक गॉसियन सरफेस बनाना है उसके, अच्छा गॉस लॉ किससे मालूम है,
अरे गौसलो घास लो नहीं गौसलो है जो टोटल चार्ज होता है कंडक्टर के अंदर ना इनसाइड द कंडक्टर वो क्या होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है या चार्ज के और एक बटा एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले हम मान लेते हैं ये एक गॉसियन सरफेस हो गया इसके अंदर माइनस क्यू चार्ज प्लस टू क्यू चार्ज माइनस टू माइनस क्यू चार्ज। अब आपको यह सर हमारा मर्जी है कि हम टू क्यू को यहीं रखें लेकिन अंदर रखना है तो फ्रॉम गॉस लॉ फ्रॉम गॉस लॉ अरे फिर घास लॉ बोलते बड़ी मार मारेंगे तुमको अमरेश पुरी हाँ गॉस लॉ। चलो तो क्या बोलता है बोलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना वो क्यू इनसाइड द सरफेस या कंडक्टर बाय एप्सिलॉन तो क्यू इनसाइड चार्ज जो सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना आवे कैसे जीरो होगा माइनस क्यू प्लस टू क्यू माइनस में क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट ओह तो जीरो हो जाई हो बुझा रहा है क्या हो जाए जीरो तो ये सो टोटल जीरो हो जाएगा कोई दिक्कत ये दो नंबर में पूछा हुआ सवाल है पूछा हुआ सवाल है। आइए राइट अब क्वेश्चन में कलर को देख लो राइट डाउन यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मल्टीमीडिया फ्री स्पेस। अच्छा एसआई मात्रक लिखना है और एस पूछा हुआ क्वेश्चन है बे आज जितना क्वेश्चन है ना सब पूछा गया क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर के 2023 तक उलट दो 2009 से 2023 तक उलट दो सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। सुन रे भाई मेरे पहले आप सारा नोट जानता है ना डैम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट सूचित किया जाता है इसको। अब बात को तनी हमारा बात को समझिए पहले लिखिए यहां पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये क्या होता है एप्सिलॉन नॉट आए सुनो इस ये तो हो गया इतना हिंदी में क्या लिखेंगे मुक्त स्थान की विद्युतशीलता ठीक है या निर्वात की विद्युतशीलता निर्वात ज्यादा अच्छा रहता है निर्वात की विद्युतशीलता यही ना होता है नॉट आई एस आई यूनिट लिखिए एस आई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट हिंदी में क्या लिखेगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक या ना क्या होता है मेरे भाई अरे चुप हमरा बोलने दो कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर या सुन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर के पावर माइनस टू ये बोल सकते हैं सर इसका डायमेंशन बोला बताइए क्योंकि आइए डायमेंशनल फॉर्मूला हिंदी में क्या कहते हैं इसको बीमीय सूत्र याद किस सबको है पहले लेक्चर में इसे पढ़ा देते नहीं पहला लेक्चर में नहीं कूलम से लॉ जब चल रहा था तब पढ़ाए थे ये सब जी आइए अच्छा रुक जाओ निकाल देते हैं तुम लोगों को याद है ये लोगों को ना याद होगा ऐसे लगता था देखते रहिए कम से कम वीडियो सब जुड़ जाइए आपके एग्जाम तक अंत तक आपके साथ हम हैं 2025 तक ठीक है। हाँ कभी कभी होता है कि लेक्चर अब्सेंट भी होगा कोई दिक्कत नहीं है खुपरिया उड़ा देंगे तो नहीं लोग देखो कूलम स्क्वायर कूलम का क्या होता है एटी एटी का स्क्वायर दो बार करेंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर अरे चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला एटी होता है ना एटी तो एटी का कूलम स्क्वायर तो एटी का स्क्वायर और नीचे में ना है न्यूटन तो नीचे में न्यूटन में क्या होता है बल बल का होता है क्या एम एल टी के पावर माइनस टू कोई दिक्कत आइए मीटर स्क्वायर तो नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर क्योंकि मीटर एल स्क्वायर ना होगा क्योंकि मीटर का होता है लेंथ लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल। आइए अब एक से ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए अच्छा ये सवाल हमने कल ऑब्जेक्टिव बताया था ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आया था कल
एम को ऊपर पहले भेज दीजिए, एम पर वन है ना, ऊपर जाकर के एम पर सीखिएगा तो हो जाएगा। एल पर वन है, एल पर टू है, बहुत बच्चा रटने की कोशिश करता है, कते डायमेंशन फॉर्मूला रटिएगा वो सीख लीजिए। एल एगो है, एल दू गो है, तो एल के पावर तीन, ऊपर जाएगा तो एल के पावर माइनस तीन, और टी यहाँ माइनस का गो है, और ऊपर जाएगा तो प्लस दू हो जाएगा ही, और प्लस दू पहले से ही है तो टी का गो हो जाएगा चार गो, और ए स्क्वायर ऊपर तो है ही है, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा के का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए कैसे निकालिएगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो एम माइनस वन है तो एम वन हो जाएगा, एल माइनस थ्री तो एल क्यू, आई टी पर प्लस फोर तो टी पर माइनस फोर, ए पर प्लस तो ए का माइनस टू, ये हो गया आपका के का डायलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पैरावैद्युत स्थिरांक का हो गया ये, ठीक है, कूलम स्थिरांक भी जिसको कहते हैं। के का मान, के का मान क्या होता है, नौ गुना दस के पावर नौ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा इसका एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, आठ दशमलव आठ पांच गुना दस के पावर माइनस बारह कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उतरे कचरी वचरी पर नहीं, लोगों ने सुना है इसलिए तो माइक यूज कर रहे हैं कि तुम लोग कितना हल्ला करते रहे, इन्हें कब में ना आएगा तुम लोगों का आवाज। हाँ ठीक, लगा देंगे तो पता चलेगा, कल से बच्चा है कोई नहीं देखेगा इस पर। आइए, ड्रॉ द लाइन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को बताना है, ड्रॉ करना है, लाइन को ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है मेरे भाई, एक होता है आपका प्लस क्यू, एक होता है माइनस क्यू, एक छोर पे प्लस चार्ज एक पे इलेक्ट्रिक डायपोल में इसका जो डिस्टेंस होता है कितना आता है टू ए, तो छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें गड़बड़ा जाएगा। ये ऐसे लेते हैं प्लस के बाहर, प्लस में क्या होता है कि प्लस से बाहर की ओर निकलता है, तो प्लस से ये निकलेगा कहां जाएगा माइनस पे, प्लस से निकलेगा कहां जाएगा थोड़ा मर्जी जते इनमें तुम पार लो नहीं, यार हम बीच से यहां से निकल रहा है, यहां से यहां प्रवेश कर रहा है, ठीक है सुनो, और इधर कर दीजिएगा, तुमको दिखाई नहीं दे रहा क्या बना रहा है सो, हाँ आंख है, बुखार लगा देंगे ये इलेक्ट्रिक, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का दिशा पूछता ना, इलेक्ट्रिक डायपोल डायरेक्ट बोलते माइनस से प्लस, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछा है, विद्युत बल रेखाएं किधर से किधर होगी सो पूछा, तो एगो प्लस एगो माइनस है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई कष्ट पीड़ा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तुमको हम इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक डायपोल का दिशा माइनस से प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब प्लस से निकलती है माइनस तक जाती है, तो प्लस से निकल रही है माइनस पर जा रही है, क्या बोल 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 बोल, ये हो गया, इसमें दो मार्क्स मिल जाए तो सके। आइए, डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड राइट इट्स आई यूनिट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिखना है, क्या होता है इसको स्विच किया किससे किया था पी से, इसमें दो ई होता है प्रोडक्ट ऑफ क्या, एगो चार्ज होना चाहिए और उसके बीच के डिस्टेंस के, तो वही क्या बोला कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, चार्ज के मैग्नीट्यूड के एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं यहां पर एक निगेटिव चार्ज, सुनो डायपोल है ना, बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ टू ए, कोई दिक्कत, तो इसको सूचित किससे करते हैं डिनोट किससे करते हैं पी से, क्या होता है क्यू, अरे भाई इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड, चार्ज के मैग्नीट्यूड, चार्ज के मैग्नी प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, टेंशन नहीं लियो, सोमवार का इंतजार करो, सोमवार को इस बार तो मतलब लाइए कॉपी, कितना नंबर है चेक किए थोड़ा,
तो चेक करिए तो तुम सीधा करते हैं। सिर्फ ऑब्जेक्ट ना है, पिछले बार खाली ऑब्जेक्ट बना हुआ था, इस बार सब्जेक्ट टेस्ट होगा। सब तरह से कहीं के निकाल देंगे बिहुदा सब कहीं के, तनको नहीं इस बार राज सर लेंगे इंग्लिश का टेस्ट। हाँ उससे अगला बार तो सोमवार का इंतजार कीजिए कि यहाँ कब सोमवार आ जाए और दिन कब तौर से खराब नहीं हो। ठीक है, क्यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब खराब है, खराब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यों लिखा गया, चार्ज है क्यों लिखा गया बता। हाँ क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड मतलब इसमें सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, चार्ज के केवल परिमाण लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, दोनों में से कोई चार्ज हम ले सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ परिमाण लेना है इसका। ठीक है, हाँ निगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना है, बढ़ जाइए। और इसके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ है, पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज के बीच का, तो पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना है 2a, ये हो गया। तो q into 2a क्या हो जाता है, अरे सुनो q into 2a इसका एसआई मात्रक बताइए, नहीं एसआई यूनिट कर ले भी सवाल आया हुआ था, ये कूलम चार्ज का कूलम, और दो का नहीं होता है, a क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस का एसआई यूनिट जो होगा वो कूलम इंटू मीटर, हिंदी में लिखा एसआई मात्रक कूलम इंटू मीटर, इतना लिख देगा। चलिए बढ़ा जाए आगे, आइए why do electric lines of force never intersect each other, पुरी जी इधर आइए देख लीजिए ध्यान से, the electric lines of force never intersect each other because at the point of intersection, बस जिस बिंदु पर वो इंटरसेक्शन करेगा, एक बिंदु पर काटेगा, टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू लाइंस ऑफ फोर्स, वहां पर दो गो टेंजेंट हो जाएगा और दो गो लाइंस मतलब जो लाइंस ऑफ फोर्स के दो गो लाइंस फोर्स फोर्स होगा वहां पर दो गो टेंजेंट खींचा जाएगा। ठीक है, दिस मींस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पर दो गो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही गो डायरेक्शन होना चाहिए, वहां दो गो डायरेक्शन जो कि संभव है ना। अब देखिए कहा गया रे भाई, एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस इंटरसेक्शन पर बीच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दो बल रेखाओं पर दो स्पर्श रेखाएं की जा सकती है। ठीक है, इसका अर्थ है कि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी, जो कि असंभव नहीं है। जैसे देख लीजिए, एगो यह है इलेक्ट्रिक लाइन्स, एगो यह है, ठीक है, अब हमको मान लीजिए कि इस बिंदु पर जो है, सुनो यहाँ पर टेंजेंट दो खींचा जाएगा, एगो ऐसे एगो, तो एगो डायरेक्शन ही दिशा में हो गया, एगो डायरेक्शन, तो एक ही बिंदु पर दो डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी बिंदु पर मान लीजिए यहां हमको डायरेक्शन निकालना है तो टेंजेंट की दीजिए, एक ही डायरेक्शन है बताया, यहां पर देख लीजिए टेंजेंट की दीजिए, टेंजेंट की दीजिए, एक ही डायरेक्शन है बताया, एक बिंदु पर दो डायरेक्शन, एगो ई खींचे है इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए, एगो ई खींचे है इस लाइन के लिए, तो एक ही बिंदु पर दुदू को डायरेक्शन बता रहा है, जो कि असंभव है, ये चित्र बना दीजिएगा। ठीक है, समझो अमरेश जी, आइए व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रो ये क्या होता है, सुनिए ये नया क्वेश्चन है, आए सुनो सुनो सुनो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं से क्षेत्र को हटा देना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र से किसी भी विद्युत क्षेत्र से वहां पे क्षेत्र को जब हम हटा देते हैं तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी उसको रक्षा करना। तो किसी क्षेत्र के किसी क्षेत्र को, क्षेत्र क्या करते हैं, किसी भी विद्युत क्षेत्र से मुक्त करने की ना घटना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। तो क्षेत्र को हमको मुक्त करना है किससे, विद्युत क्षेत्र से। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन हम क्या बोले, ऑफ द फिनोमेना ऑफ मेकिंग रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो रीजन बनता है, जो क्षेत्र बनता है, उसको फ्री कर देना है फ्रॉम मतलब से किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आइए व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ना हिंदी में आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। ठीक है, इसको लिखना है और इसका आंसर क्या करना है कमेंट में, पूरा इसका फॉर्मूला सहित मारिएगा। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को,
कैसा लगा ये लेक्चर? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए खबर के। फिर से बोल रहे हैं कि अगर बिहार बोर्ड इस वर्ष इस चैप्टर से एक भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है या दो नंबरिया क्वेश्चन, तो इससे बाहर नहीं हुआ जितना हमने कराया, क्योंकि हमने हर पॉसिबल पॉइंट को करा दिया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ। लॉन्ग क्वेश्चन समझते ना, चैप्टर वन में कितने लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 अंक में जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तब तक क्या करना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और इसका रिविजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।